बुराड़ी में करीब 300 सेकंड ज्यादा घर घरों में रहने वाले लोग सीलिंग के डर से दहशत में हैं। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से लाल डोरे में रिहाइश की जगह पर इन्होंने फ्लैट खरीदे। यहां पर सरकारी रजिस्ट्री भी हुई, बावजूद इसके यहां पर हम मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नोटिस दे दिए गए हैं कि बुधवार से पहले यह लोग इन फ्लैट्स को खाली करें, इसके बाद ही इन्हें सील किया जाएगा। अब जिंदगी भर की अपनी कमाई यहां इन लोगों ने लगा दी और अपना सामान और बच्चे सब ले करके यह लोग आखिरकार जाएं तो कहां जाएं? आखिरकार इन लोगों का क्या कसूर था? यहां प्रशासन कसूरवार अधिकारियों को सजा न देकर आम लोगों को सजा दे रहा है। हमेशा आम इंसान ही पिसता है, बुराड़ी में यही नजर आ रहा है। जो बिल्डर यहां बहुमंजिला बिल्डिंग मानकों से ज्यादा ऊंचाई की खड़ी करके चले गए, जिन अधिकारियों ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया, उन अधिकारियों और बिल्डरों पर कोई कार्यवाही ना करके प्रशासन गरीब लोगों को घरों से बाहर कर रहा है। फिलहाल ये लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। यदि प्रशासन को इन फ्लैटों में कुछ गलत दिखाई दे रहा था तो क्यों इनकी रजिस्ट्री की गई, क्यों इनसे हाउस टैक्स लिया गया, पहले इनको क्यों नहीं बताया गया और बाद में सीलिंग के लिए सरकारी दस्ता आ गया? क्या कहना है इन लोगों का, क्या दुखड़ा है लोगों का? आप इसका जो भी है रजिस्ट्री का सारा कुछ जीआईसी से हमारा लोन हुआ पड़ा है, हम लोग सारे रोड पे आ जाएंगे अगर ये ऐसा होता है तो, इन लोगों की वजह से। क्योंकि अगर ये कॉलोनी अंदर ऑथराइज थी तो इस पे लोन कैसे हुआ, ठीक है? और अगर ये लोन हुआ है या बना है तो रजिस्ट्री कैसे हुआ? ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट का गड़बड़ी है। आपने बिल्डर से पूछा इस बारे में? आपको लगता है बिल्डर ने कोई बातें आपसे छिपाई देने से पहले? अब ये तो हमें नहीं पता, अगर मॉनिटरिंग कमेटी को कुछ भी अगर ये डाउट है तो वो उनसे पूछे, ठीक है ना? हमारा ये है कि हम अपना पूरा जीवन भर का पूरा जो भी कमाई था उससे हम अपना घर ले चुके हैं और अभी लोन पे आके हम लोग सड़क पे आ जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। कहीं पे जीने नहीं रहेंगे, हमारे पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आने वाला है कि 400 फैमिलीज को कैसे डिमोलिश कर सकते हैं जिस एरिया में जहाँ पे 400 फैमिलीज रह रही हैं, जबकि वो टैक्स पे कर रही हैं, उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। किसी सीनियर अधिकारी से मिलने की कोशिश की आपने? कल हमारे पास संजीव झा जी भी आए थे और अभी भी हमारे यहाँ के आरडब्ल्यू के मेंबर सीनियर अथॉरिटी के पास ही गए हुए हैं, बेचारे लगे हुए, इनफैक्ट हम सब लगे हुए हैं। आप देखिए मॉनिटरिंग कमेटी के पास क्या करेंगे फिर आप? कैसे होगा, कैसे नहीं देंगे, कैसे करेंगे सर? डिमोलिश कैसे करेंगे आप ये बताइए ना। जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ, 400 फैमिलीज हम रह रही हैं, हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए, तो कैसे कर देगी वो? हमें पहले प्रूफ तो देगी कि हम कैसे इलीगल है। करना था तो 4 साल पहले आपके पास की घर टूटने वाले यहाँ जितने भी घर, उससे पहले कोई नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज की। हमने पूरी प्रॉपर्टी बेच के हर चीज करके और लोन ले रखा है, लोन लेके यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इस तरह ये आया अभी कुछ अधिकारी से या आप अपने बिल्डर से ही मिले होंगे? उससे कल बात की थी मैंने, बिल्डर कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोलिशन होता है क्या, बिल्डर के खिलाफ भी कोई एफआईआर कराएंगे? अगर ऐसा होता है तो पक्का एफआईआर कराएंगे। अगर ऐसा हमारे घर के साथ होगा तो बिल्कुल हम तो करेंगे। तो कहीं लगता है आपको कहना कहीं बिल्डर ने आपसे कोई बात छिपाई है डेमोलिशन होने के पहले? कल मॉर्निंग में आके दीवारों पे यहाँ पे अपने नोटिस छिपा के चले गए थे कि इंस्ट्रक्शन कॉलोनियाँ ये सब टूटेगी, और अभी 6 महीने पहले ही हमने इसकी रजिस्ट्री करवा रखी है बतौर ये कोर्ट में जाके, और ये पूरा उन्होंने हमें बताया था कि लाल डोरे की जमीन है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ गई है। बिल्डर से कल बात करी थी तो उनका भी रिप्लाई है ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, पर प्रॉब्लम तो हो ही जाती है जहाँ लोगों ने इतना इतना पैसा लगा रखा है, किसी ने लोन पे ले रखा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। अब ये पता नहीं कि इस चीज का कैसे सोल्यूशन। किस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बना के आपको दे दी है? ये बिल्डिंग तो यहाँ पे काफी सारे बिल्डर हैं, यहाँ पे एक दो बिल्डर। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो किसने बनाया? लेकिन पहले सरकार की तरफ से एक एमसीडी की तरफ से हमें एक नोटिस आया है कि जी आपकी बिल्डिंग जो अवैध है और उसको तोड़ा जाए, लेकिन सरकार से ये पूछा जाए कि सरकार ने हमारे को लिफ्ट प्रोवाइड की है, एनडीपीएल से एनओसी मिली हुई है, मीटर लगे हुए हैं, पानी कनेक्शन मिला हुआ है, हमारी रजिस्ट्री हुई हुई है और जिसकी स्टाम्प ड्यूटी हमने सरकार को दी है, और उसके बावजूद हमें एक अनलीगल नोटिस मिला जा रहा है कि जी आपकी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। हम सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक वैध है। 30 नवंबर 2017 में अनऑथराइज हो गई थी जो इनकी साइड में अभी दिखा रहा है, बट उसके आफ्टर मैंने रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री बैन होनी चाहिए थी ना, रजिस्ट्री ओपन क्यों थी? गवर्नमेंट से बड़ा सवाल तो ये है मेरा। हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी लिफ्ट के लिए लिफ्ट चल रहा है हमारा, एनडीपीएल ने बिल्डिंग वो मीटर पास करके दिया है, मीटर लगा बिल्डिंग का और पक्की रजिस्ट्री स्टम्प ड्यूटी भी हमने पे किया, उसके बावजूद जो है 24 घंटे नोटिस दिया जा रहा है जी कि आपकी बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, ये कैसा है? एमसीडी उस टाइम कहाँ थी?
जब हमें एनडीपीएल ने बिजली दिया, बिल्डिंग बनी, लिफ्ट लगा, बिल्कुल डर लग रहा है सर। 24 घंटे नोटिस दिया गया, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम बोर्ड करेंगे। हमें तो बिल्कुल डर है, पूरी फैमिली रो रही है घर में, किसी ने खाना